बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको सिंपल कमीज़ की कटिंग दिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। ये इसके बाजू हैं, ये कमीज़ की बैक और फ्रंट साइड, बैक और फ्रंट साइड को अलहदा अलहदा सेट कर लूंगी। इस तरह से गले वाले हिस्से को बराबर रखूंगी। फ्रंट साइड मैंने सेट कर लिया, इसके गले को मैंने बिल्कुल सेट कर लिया। अब मैं बैक साइड की घेरे का नाप लेके कटाई कर लूंगी। पहले बैक साइड की टोटल चौड़ाई मैंने लेनी है 24 इंच, 2 इंच मैं अजाफी लूंगी साइड पे सिलाई के लिए। इसका सफेद पीस भी उतार दूंगी। अब इसे डबल फोल्ड कर लूंगी। इसके नीचे मैं फ्रंट साइड रखूंगी। बैक साइड को फ्रंट साइड के ऊपर सेट कर लूंगी। फ्रंट साइड पे बैक साइड का पीस मैंने रख लिया, फ्रंट साइड का अजाफी पीस उतार लूंगी। कमीज की टोटल लंबाई मैंने 39 इंच रखनी है। नीचे से मैं 1 इंच अजाफी छोड़ूंगी सिलाई के लिए और 1 इंच ऊपर से छोड़ूंगी। 2 इंच मैंने अजाफी छोड़ना है। टोटल लेंथ जो है मैंने रखनी है 39 इंच, उसमें 2 इंच अजाफी लूंगी सिलाई के लिए। कमीज का जो अजाफी पीस था उसमें मैंने सीधी लाइन ड्रा कर ली है। अब मैं तीरे का नाप लूंगी। तीरे की चौड़ाई 8 इंच, कंधे की लंबाई लूंगी मैं 8.5 इंच, आधा इंच मैंने अजाफी लिया तिरछी कटाई के लिए। चेस्ट की चौड़ाई टोटल मैंने 20 इंच रखनी है, इसका 10 इंच लूंगी। एक इंच ज्यादा लूंगी सिलाई के लिए, 11 इंच मैंने टोटल लिया इसका। अब मैं इसकी गुलाई कर लूंगी। ऊपर से 6 इंच छोड़ के कमर का नाप लूंगी। कमर की चौड़ाई 18 इंच है। एक इंच अजाफी लूंगी सिलाई के लिए। यहां पे सिलाई लगाऊंगी। मुझे मैंने अजाफी पीस लिया 1 इंच। यहां से मैं 13 इंच रखूंगी। अब मैं हिप का नाप लूंगी।
की चौड़ाई मैंने रखनी है 11 इंच। अब मैं निशानों पे कटिंग कर लूंगी। फ्रंट साइड के कंधे की गुलाई करूंगी 1/2 इंच। अब यहां 10 इंच पे निशान लगाऊंगी सिलाई के लिए। नीचे भी यहां से 13 इंच पे निशान लगाऊंगी यहां पे। यहां तक फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। अब घेरे को मैं सीधा कर लूंगी। ये फ्रंट साइड है, इस पे चेस्ट और कमर और हिप पे मैं निशान लगाकर दिखाऊंगी। यहां 10 इंच तक मैंने निशान लगाया। ऊपर से 6 इंच पे मैंने नीचे निशान लगाना है। यहां तक मैं फिटिंग करूंगी। फिटिंग इसकी मैंने 9 इंच रखी है। अब यहां पे 10 इंच पे जो निशान लगाया था उसे इस 9 इंच वाले निशान से मिला दूंगी। इस तरह से अब यहां पे भी सीधी हिप का निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे। लाइन इस निशान तक मिलाऊंगी इस तरह से। चौबीस इंच घेरे की चौड़ाई मैंने रखनी है। ये डबल फोल्ड कपड़े पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। इजाफी मोड़ना है इस तरह से, इस पे निशान लगा दूंगी। कमीज की कटाई मुकम्मल हो गई है। अब मैं बाजुओं की कटाई कर लूंगी। ये डबल फोल्ड किए हुए हैं, अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। चौड़ाई 8 इंच, लंबाई 20 इंच रखनी है। ये कंधे का निशान लगाऊंगी मैं 4 इंच पे। अब इसकी गुलाई कर लूंगी। नीचे से भी 8 इंच रखूंगी, नीचे से खुले रखूंगी बाजू। अब मैं कटाई कर लूंगी। कमीज और बाजुओं की कटाई मुकम्मल हो गई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।